सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी में व्याकरण करेंगे। व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर वाले शब्द। बच्चों, संयुक्ताक्षर मतलब वो अक्षर जिनमें दो अक्षर एक साथ मिले हो। जैसे पहला शब्द जो मैंने दिया है, देखो दो क है उसमें, क और क, ये देखो आधा क और पूरा क। ये आधा क को हिंदी में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क के नीचे एक छोटा सा लाइन है, इसको हम बोलते हैं हलंत। सो ये क्या हो गया, क और क दोनों मिलके क, और उससे दो शब्द मक्का चक्का। अगला शब्द है ख, क के नीचे हलंत और ख, आधा क और पूरा ख, तो हो गया ख मक्खन मक्खी। ये देखिए क्य, आधा क और य, क के नीचे हलंत मतलब क और य, क्या क्यारी क्या। यह है द्व, द के नीचे व, आधा द और पूरा व, यानी द के नीचे हलन द और व, व पूरा है, द सिर्फ द तक ही है। सो इसीलिए ये हो गया द्व, द्वारा द्वीप। यह है ट, आधा और पूरा ठ, ठ ट आधा, ट के नीचे हलंत और ठ, जैसे मट्ठा चिट्ठी। यहां तक कि देखो जो शब्द हमने सबसे ऊपर लिखा है व्याकरण, उसमें भी व आधा और य पूरा है, व्याकरण। यहां पर भी है युक्ता, देखो क आधा और त पूरा, संयुक्ताक्षर वाले श ब आधा और पूरा द शब्द, तो ये भी संयुक्ताक्षरी हुए, व्य त द, ठीक है। तो आज हमने संयुक्ताक्षर वाले शब्द पढ़े। आपको आज शेखीबाज मक्खी पाठ से सभी संयुक्ताक्षर वाले शब्द ढूंढकर लिखना है। ये आज आप अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।